विदेशों में रहिंदे पार्टियां लई उन्हां दीआं जमीनां जायदादां उत्ते गैर कानूनी कब्जियां ते उन्हां नूं हड़प लैण दा मसला बहुत लंबे समय तो साडा ध्यान खिंच रहा है अते इह काफ़ी अहम भी है। इन्हां तकलीफ दे हालात विच पंजाब दे NRIs अपने इन्हां मसलियां लई कचहरियां दे ना मुक्कण वाले चक्करां विच फसे हुए ने। पंजाब विच अपने मुकदमियां दी पैरवाई लई कोई कानूनी सहायता ना मिलन कारण इन्हां लोकां दी हालत बहुत ज़्यादा तरसयोग बनी हुई है। तो आओ जानन अते समझन की कोशिश करते हैं अजिहे मामलों बारे एक विशेष माहर कोलों कि विदेशों में वसदे लोगों दीआं गैर कानूनी ढंग नाल दबियां गईआं जायदादां दे मसलियां नूं किवें सुलझाया जा सकता है। साड़ी कंपनी एक डेडिकेटेड लैंड एंड प्रॉपर्टी सर्विसेज फॉर NRIs नूं ही डील करती है और जमीन जायदाद दे रिलेटेड कोई भी मसला असी हैंडल करते हैं। निधि सिंह दे कहे मुताबिक पंजाब नाल संबंधित NRIs दीआं जमीनां दे मामले आसानी नाल सुलझाए जा सकदे ने। पर की तुसी कदे सोचिया कि जेकर तुहाडा विरोधी तुहाडे अपने घर विचों ही कोई शरीक होवे तां की होएगा? की तुहानू पता है कि भारत विच पावर ऑफ अटॉर्नी दी दुरवरतों बहुत तेजी नाल वधदी जा रही एक बुराई है। इस विच कोई दो राय नहीं कि अजिहे मामलियां विच NRIs ही ज्यादातर पीड़ित हुंदे ने। हाँ, यह बिल्कुल सच है। चेतावनी सुनो अते बचो। बहुत सारे लोगों ने अपने फादर ग्रैंडफादर दी प्रॉपर्टीज हाले ट्रांसफर ही नहीं कराईया। वो असी सारियां ट्रांसफर सर्विसेज देने हैं, उन्होंने आना भी नहीं पएगा। असी उन्हां दीआं प्रॉपर्टीज प्रॉपरली ट्रांसफर करा के दिंदे आ और फिर उत्थे कागज़ भेजदे आ सारे डॉक्यूमेंट्स। दैट्स वन पार्ट। सैकेंड इज प्रॉपर्टीज इन योर नेम GPA भेज देंगे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे। नैचुरली तुहाडे कोल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, तुसीं वेच भी सकते हो। वेच के उहदे बाद पैसे उत्थे गए कि नहीं। कब्जे उन्हां प्रॉपर्टीज़ ते हुंदे आ जिहड़े लोग दूसरियां ते बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करदे। अगर तुहानूं इंडिया 'च कोई आ रहा है, ज़्यादा अपनी अपने वल खिंच रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है अपनापन, पहला ही डर जाओ कि इहदा कोई ना कोई ज़रूर मोटिव होएगा। अगर तुसी केयर टेकिंग वास्ते भी दे रहे हो, टेनेंट भी नहीं है, वो किराएदार नहीं है, इदा ही कोई देखभाल ही दे, उहदे लई भी अंडर लॉ वी हैव अ लीव लाइसेंस एग्रीमेंट, वो करके उहनूं प्रॉपर्टी 'च घुसाओ। सैकेंड, मेक श्योर जो भी तुहाडी प्रॉपर्टी 'च है वो ज़्यादा देर उत्थे ना रहे। बार बार अगर टेनेंट है तुहाडा, उहनूं चेंज कर दे रहो। 11 महीने दी लीज़ तों ज़्यादा कदी लीज़ ना करो। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਧੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। NRI Legal Services is a complete solution provider. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ A to Z ਉਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਸਟੇਜਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਓਬਟੇਨਿੰਗ ਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਜਸਟ ਅ ਵੇਗ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਓਨਰਸ, ਪੂਰਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। NRIs ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ 15 to 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਿਲੇ ਹੈ, ਵੈਲ ਦੈਟ ਡਿਲੇ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 1 billion ਪਲੱਸ ਪੀਪਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਨੋਇੰਗ ਦ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ।
एक दहाके तो वध दे समय तो निधि सिंह अते उना दी टीम एनआरआईज नाल संबंधित अजिहे मामलियां नाल निपटदियां उना दियां जमीनां अते हक हकूक नूं बचाउण लई हुण पूरी तरह तजर्बेकार हो चुकी है। जिन्ने साडे कैनेडा यूएस यूके च ऑफिसिज ने ओ सिर्फ ऑफिसिज नहीं है ओ एक टेलीलीगल सेंटर्स है। साडे ऑफिस च कोई भी उत्थे आए टोरंटो वैनकूवर लंडन कोई भी आए वो डायरैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस के नाल साडे नाल सारी केस की डिस्कशन डॉक्यूमेंट्स उसी वक्त स्कैन करके आ जाते हैं। असी उत्थे ही उन्होंने एडवाइस देने सारा दसते हैं कि करना है इस केस च और उत्थे ही वो सानू हायर करते हैं। साडा बहुत जबरदस्त केस मैनेजमेंट सिस्टम है जो इंटरनेट पर बहुत ही एडवांस लैवल पर है। इनफैक्ट साढ़े इतने ऑफिस तुसी देखा है कि 25 पीपल आर ओनली वर्किंग जो कि अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं कि केड़ी तरीक लगी उस तरीक ते की होया अगली तरीक केड़ी है। इसलिए हालात इस हद तक भयानक हो चुके ने कि कई लोग अपनियां जमीनां नूं सदा लई वेचण दी योजना बना रहे ने पर इत्थे तुहाडी सहायता लई है निधि सिंह अते उसदी जिंदगी दा टीचा है एनआरआई लीगल सर्विसिज। निधि सिंह ने यह निश्चय कर लिया है कि इस वड्डे कार्ज नूं करन लई अते इस नूं नेपरे चाड़न लई ओह चढ़दी कला विच है। सही की है गलत की है एक जो तुसी मेरे को एक प्रॉब्लम लेके आंदे हो मेरा फर्ज है तुहानू हेल्प करना। मैं इसी तरह मैं अपने क्लाइंट की हेल्प करती हूँ। कई बार लोग कहते हैं लॉयर्स कभी सच नहीं बोलते जी झूठे ही होंगे ने वकील हमेशा झूठे। हाँ वकील हमेशा झूठे होंगे ने। हाँ मैं भी झूठी हूँ। अगर मैं अपने क्लाइंट नू बचाने लिए झूठ बोलना पैंदा है तो मैं वो झूठ एक बार नहीं 100 बारी बोलांगी और बोलांगी क्योंकि मेरा फर्ज यही है और वो मैं निभा रही हूँ। हूँ आ गई दूसरी गल लॉयर्स की कर दें गलत की है। गलत यह है कि साड़ी कंट्री च क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वकीलों नू छड्डो डॉक्टर्स देख लो आईएएस ऑफिसर्स देख लो जजेस देख लो जो गलत है वो तो गलत ही है और जो सही है वो सही है। जज की जो रोल है सारे जजेस वो रोल नहीं निभा रहे वी ऑल नो दिस इज़ अ फैक्ट। डॉक्टर्स ज़्यादा रोल है मेडिकल केयर मेडिकल हेल्थ इंडिया च की है एवरीबडी नोज अबाउट इट। वो ओथ उन्होंने लेती नहीं होंगी पर वो ओथ के हिसाब नाल नहीं चलते मैं उन्होंने गलत कहूँगी। निधि सिंह के अजिहे निश्चय नूं वेख सानूं हैरानी हुंदी है। जदों उन्हां नूं पुछया गया कि उन्हां नूं इह सब करन दी प्रेरणा कित्थों मिली तां उन्हां ने सानूं दस्या कि परिवारक वचनबद्धता उन्हां लई सब तों पहलां है पर ओह खुशकिस्मत है कि जिंदगी दे हर मोड़ ते उन्हां नूं परिवार कोलों मदद मिली अते इसे कारण ओह अपनी जिंदगी दे टीचे नूं पूरा करन विच लगे होए ने भाव उन्हां लोकां दी मदद करनी जिन्हां दी मदद लई कोई नहीं है। फैमिली इकट्ठे होण दे कारण बहुत ही एंकर्ड और बहुत ही सपोर्टिव रोल सब ने प्ले किया कि मैं इन्नी लंबी अरसे तो मैं काम कर सकी। तीन बच्चे ने मेरे अपनी कमिटमेंट वर्क नू बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैनू ये लगता है कि ये जड़ा मेरा काम है एनआरआई लीगल सर्विसेज जड़े कंपनी असी रन कर रहे हैं एक बहुत परपसफुल और बहुत ज़रूरी काम है और इसने मैनू अपनी लाइफ च एक बहुत ह्यूज परपस दिता है टू हेल्प पीपल हु हैव नो हेल्प। सो ये बड़ा सैटिस्फाइंग है प्रोफेशन मेरे लिए। हुण सुनो कि निधि सिंह की कहंदे ने इस नाल होर बहुत सारियां औरतां नू भी प्रेरणा मिल सकती है। मैं हमेशा जस्टिस नू बहुत बिलीव करती सी जदों मैं कॉलेज डेज च भी हुंदी सी ते मैं सब तो ज़्यादा स्ट्राइक्स च पार्टिसिपेट करती सी सब तो ज़्यादा कितने कोई गलत काम हुंदा सी ते चल हुण भी अगर सड़क ते एक्सीडेंट हुंदा मेरे तो निकलिया ही नहीं जांदा मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकती। समाओ ये सेंसिटिव नेचर मेरी शुरू तो रही है मैं कभी भी अत्याचार किसी के होंदे हुए मैं अंदरों बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंदी सी जदों मैं छोटी सी मेरी लड़ाई बड़ी जल्दी हो जाती सी मैनू लगता सीगा कि मैं कुछ दुनिया विच करना चाहनी हाँ छोटी एज तो ही मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की सीगी। इनफैक्ट जिते भी कितने कोई कॉन्ट्रोवर्सी होनी होंदी सी या कोई प्रॉब्लम सी मैनू सब तो पहला लै जाते कि चल 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 ये हो रहा तो मैं एक कह लो कि सिस्टम नू कभी भी जो गलत हुंदा सी उन्हों कभी एक्सेप्ट नहीं करती सी। आज भी अगर इंडिया च तुहानू पता है सड़कां ते कई बारी कुछ गिरिया हुंदा है या जिहदे नाल एक्सीडेंट होने के चांसिस हुंदे मैं सब तो पहला कॉल करदी हां मैं निकल ही नहीं सकती उत्थों। सो एक नेचर है मैनू लगता सीगा रीज़न के मैं लॉयर बनना इसलिए भी चाहती सी कि मैनू लगता है कि सच्चाई और जस्टिस का सही तरीके नाल अगर असी यूज़ कर सकते हैं तो एक लीगल एक्सपर्ट एक लीगल प्रोफेशनल ही कर सकते हैं।
खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।